नमस्कार, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन बने थे, तो यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेमेडीज फॉर अ डिसीज, रेमेडीज फॉर अ डिसीज, इसका फ्रेंड्स हमको वन वर्ड बताना है। ठीक है, तो रेमेडीज फॉर अ डिसीज, ऐसी बीमारी जो रेमेडीज हो उसे कहते हैं पैनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनेशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रेमेडीज फॉर अ डिसीज आपको अगर एग्जाम में दिख जाए तो तुरंत ऑप्शन ए पैनेशिया आपको टिक कर देना है। ठीक है, पैनेशिया देखे तुरंत रेमेडीज फॉर डिसीज, रेमेडीज बीमारी जो डिसीज होती है वो किससे होती है? पैनेशिया से। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आकर्षण का केंद्र हो, तो फ्रेंड्स क्या होता है? वो होता है आपका, यहाँ पे सही आंसर होगा इसका साइनोश्योर। क्या होगा? साइनोश्योर। सेंटर फॉर अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण का केंद्र होता है वह होता है आपका साइनोश्योर। साइनोश्योर होता है वो, क्या होता है? साइनोश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, कैप मीन्स, कैप का मतलब क्या है यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए एडिशनल सक्सेस, टू एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप। तो दो मतलब दो फेदर इन वंस कैप, वंस कैप में दो फेदर को लेना है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो यानी कि एडिशनल सक्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपना भी टेस्ट लगा सकते हैं और आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चौथा है पास्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की पास्ट फॉर्म आपको बतानी है, तो पास्ट फॉर्म हो जाएगी कॉस्ट की आपकी। ठीक है, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ठीक है, सिंपल और प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वाली सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी समान होती हैं, तो कॉस्ट का कॉस्ट ही रहेगा, तो पास्ट फॉर्म भी कॉस्ट की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, फेमिनिन ऑफ जेंडर, जेंडर का आपको फेमिनिन पूछा है, तो यहाँ पे पाँच में का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे गूज होता है, क्या होता है? जेंडर का गूज होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, फेमिनिन क्या होता है? जेंडर का गूज। सिनोनिम्स ऑफ आउटरेज, आउटरेज का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। आउटरेज शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार करना, अपमानित करना। आउटरेज कर रहे हो अगर आप किसी बंदे को तो क्या कर रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। कैसा कर रहे हो? तिरस्कार, अपमान कर रहे हो। ठीक है, उसकी बजाय अगर आप उसे एसोल्ट कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो उसका। ठीक है, ऑफेंस, ऑफेंस कर रहे हो तो आप उसके विरोधी हो, स्लिप कर रहे हो तो स्लिप दे रहे हो। ठीक है, एरप्ट, तो यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है हमको, तो आउटरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा एसोल्ट। क्या हो जाएगा? एसोल्ट। एंटोनिम ऑफ पर्सिक्यूट, पर्सिक्यूट का आपको एंटोनिम्स बताना है, तो सेवन का सही आंसर होगा यहाँ पे चौथा, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट आपका सेवन का चौथा सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रताड़ित करना, कष्ट देना। ठीक है, जिसका विलोम शब्द क्या होता है? कंसोल। कंसोल होता है आपका सांत्वना देना। ठीक है, कंसोल होता है आपका सांत्वना देना। एंड पर्सिक्यूट का अर्थ होता है प्रताड़ित करना, कष्ट देना। पर्सिक्यूट होता है आपका कष्ट देना। ठीक है, कष्ट देने के बजाय अगर आप किसी को कंसोल कर रहे हो तो आपको किसी को सराहना दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो। ठीक है, तो कंसेंट्रेट आपका एंटोनिम्स का, पर्सिक्यूट का एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंसेंट्रेट। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चंस की जाती है कि आई सपोज यू अंडरस्टैंड आई कैंट कम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, जो वर्ड दिए गए हैं वो यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो आई सपोज यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना है? कंजक्शन बताना है, तो यहाँ पे कंजक्शन वाई का यूज होगा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड वाई आई कैन नॉट कम, लेकिन आई कैन नॉट, तुम नहीं आए, तो यहाँ पे एट में, क्योंकि कॉज इफेक्ट क्लॉज के इस सेंटेंस में वाई, जो वाई दिया गया है वो उपरोक्त कंजक्शन है। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन में वाई का यूज होगा कंजक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन क्वेश्चन है आई एम लुकिंग एट, आई एम लुकिंग एट, तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सी, आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसको देख रहा था, तो लुकिंग एट हिम आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही तो आ नहीं सकता,
यहाँ पे देखा आई एम लुकिंग एट ही आ नहीं सकता, ही जा नहीं सकता, वो नहीं हो सकता आपका, हिम यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका, द मेड हैज पुट स्लैश योर थिंग्स, द मेड हैज पुट स्लैश योर थिंग्स, 10 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूसरा, दूसरा यहाँ पे सही होगा पुट आउट। ठीक है, तो पुट के साथ आउट का यूज किया जाता है, द मेड हैज पुट आउट हैज आउट योर थिंग्स। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड इज वेटिंग, माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वेटिंग के साथ फॉर आता है, तो वेटिंग फॉर मी, माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी, 11 यहाँ पे सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, आई एम लाफिंग स्लैश ए फनी पिक्चर, तो 12 का सही आंसर होगा यहाँ पे एट, आई एम लाफिंग एट, आई एम लाफिंग एट अ फनी पिक्चर, लाफिंग एट अ फनी पिक्चर, आई डेयर नॉट बिफोर यू, आई डेयर नॉट बिफोर यू, 13 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्लैश में बताना है क्या आएगा, तो आई डेयर नॉट यहाँ पे कम की कौन सी फॉर्म आएगी, कम आएगा या कमिंग आएगा, कम ऑन आएगा या केम आएगा, तो 13 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम आएगा, आई डेयर नॉट कम बिफोर यू, क्योंकि डेयर नॉट के साथ सिंपल फॉर्म यूज किया जाती है आपको पता होगा। ठीक है, तो डेयर नॉट है ना ये, तो डेयर नॉट के साथ कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स पैसेज दिया गया है, पैसेज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पैसेज के बाद में हमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड आपको बताना है इसमें, तो मिस स्पेल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स जेन्युइन, अभद्र या अच्छा होता है, जेन्युइन क्या होता है, अच्छे के लिए यूज किया जाता है जो कि सही है जी, NUIN, ईविस बुराई होता है, ईविस इनवियस ईसरा होता है, ठीक है ईसिया, और जीलस आपकी जलन के लिए यूज किया जाता है, और होस्टाइल होस्टाइल होता है, और आपका होस्टाइल दिया गया है जो कि गलत है, सही वर्ड हो जाएगा आपका हॉस्टल, HOSTILE आपका सही वर्ड हो जाएगा, और आपको एस के बाद ई नहीं लगाना, ठीक है ई की वजह से यह सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और आपको स्पॉट द मिस स्पेल्ड में सी ऑप्शन आपको सही लगा देना है। 19 क्वेश्चन है आपका, चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करनी है इसमें। ठीक है, देयर इज नो गेम टू प्ले, देयर इज नो गेम टू प्ले, तो 19 का यहाँ पे सही आंसर होगा कि नो गेम इज टू बी प्लेड। ठीक है, नो गेम इज टू बी प्लेड, इज टू बी प्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नो गेम को ऑब्जेक्ट है ना, नो गेम को सब्जेक्ट बनाया, नो गेम इज लगाया, और आपको प्ले प्ले की थर्ड फॉर्म लगाया, टू टू है ना यहाँ पे, तो टू बी कर दिया टू बी को, और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 20 क्वेश्चन, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोविंग, ही इज टू डल फॉर अ वर्कर, ही इज टू डल फॉर अ वर्कर, तो 20 का सही आंसर होगा, ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ वर्कर, ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ वर्कर, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आशा कर रहा हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंग्लिश की नेवी SSR एयरफोर्स सेक्स ब्राइक के और प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस ना किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।